सर मेरे से मेडिकल के बिल भी अभी तक उन्होंने लेके रखे हैं। देखो आपको कोविड के लिए आप वहाँ पे गए थे जी सर, आपको उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है जी सर, मेडिसिन और सारा चीज का पैसा लगाया है जी सर, कितना 1,80,000 रुपया। हाँ सर, आपको डिस्चार्ज कार्ड दिया उन्होंने लेकिन आपसे आपको बिल नहीं दिया है। बिल्कुल दे ही नहीं रहे सर, चकरा मारा हूँ मैंने। और तो जो भी कोविड सेंटर है या जो भी हॉस्पिटल है उसके ऊपर पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल करो। ऐसा? हाँ, तो वही बोले इसने जब आप ग्राहक मंच में जाने के लिए बोला, मेरा जो इंश्योरेंस है ना, ग्राहक मंच में क्यों जाना, पहले तो पुलिस स्टेशन में जाना है ना। ग्राहक मंच से बोले पुलिस को जाएगा, बोले बरोबर थेरी से काम होगा बरोबर उनको। नहीं नहीं, पहले पुलिस स्टेशन में जाओ, पहले पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर गुनाह दाखिल करो। मैंने वो डिस्चार्ज कार्ड उनको बताओ, मेरे को डिस्चार्ज कार्ड दिया है, ये मेरे को बिल नहीं दिया मैंने, ये टाइप से जमा करो ना सर केस। हाँ, गुनाह दाखिल करो उनके ऊपर, वो हॉस्पिटल के ऊपर, वो डॉक्टर के ऊपर। बिल बिल मिलना आपका हक है ना। हाँ ना सर, वही बोला ना हम आपको, आपने जो पैसे दिए हमने दे दिए ना आपको, ना तो बोला नहीं सर हमने उसमें कुछ कम ज्यादा। मतलब ये पहले से एक तो रोजगार बंद है ये लॉकडाउन की वजह से, दूसरी तरफ ये कोरोना की वजह से जीना हराम हो गया। अभी आपका इतना तकलीफ हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, फिर आपको इतना बिल का तकलीफ हो गया, बिल 1,80,000 रुपया गया आपका, फिर आप ग्राहक मंच में जाएंगे, वहां लड़ेंगे, फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे, यही करना है क्या? हाँ ना सर, वही बात आती है ना सर, इसके लिए मैंने रियली सर ये नहीं समझते बात, ये मुख्यमंत्री जो घर पे बैठते है वो नहीं समझते ये बात, आम आदमी कैसे क्या क्या झेल रहा है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नहीं समझते ये बात, कैसे आम आदमी झेल रहा है। बातें करना बहुत अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन इनको आम आदमी की तकलीफें नहीं समझ में आ रही है, तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ ना सर, वही बात है ना। आप एक पहले एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए, रसीद मिलना आपका हक है, उसके बाद में आप रसीद और डिस्चार्ज कार्ड भेजिए, हम रुग्ण हक समिति के माध्यम से आपको जो भी आपकी लड़ाई हम लड़ने वाले हैं। हाँ सर, वो लड़ाई हम लड़ने वाले हैं, क्योंकि एक आदमी सिस्टम से नहीं लड़ सकता जी सर, तो सबका मिला के हम सिस्टम से लड़ेंगे, सरकार के सामने रखेंगे कि ये राष्ट्रीय संकट है, तो राष्ट्रीय कोष से ही इसका खर्चा होना चाहिए, क्योंकि दवाई बाजार में नहीं है। बरोबर सर, अभी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं ना कि इसका कोई भी लत आया नहीं है, दवाई आई नहीं है, तो ये लोग देते क्या है? ये खाली पीपी किट का खर्चा लेते हैं, ये खाली पेड़ का पैसा लेते हैं, और कंसल्टिंग चार्जेस लेते हैं। क्या भाई, क्या कंसल्टिंग? ये तो अभी अभी नई बीमारी आई है, इसके ऊपर पीएम बोल रहे हैं कि कोई दवाई नहीं है, तो कंसल्ट क्या कर रहे हैं? खाली 3,000 रुपए पर डे का चार्ज बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे लोगों को। तो क्या है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इसको, क्योंकि पहले सब बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, रोजगार नहीं है, खाने पीने के वांदे, और उसमें से ये सारा चीज, हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की ये विंग है रुग्ण हक समिति, हम सिस्टम से इसके ऊपर आवाज उठाएंगे। चिंता मत कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, आप आपका रसीद के लिए वो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने का वहां लिखवाइए। हाँ सर, धुलिया महाराज, मनोहर मूलचंद सेठिया सर। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है, आप कार्रवाई कीजिए। ये और सर दूसरा क्या था, ये जो कच्चा बिल दिया था ना उन्होंने हमारे को, हाँ। तो भाई आप इतना पैसा भरो, आपका इतना जमा है, हाँ। उसका हमने फोटो निकाल लिया था, जब पैसे भरने गए ना वो रसीद भी हमारे से उन्होंने ले लिया, और पैसे भरे जब भी हमारे को हॉस्पिटल में ऊपर छुट्टी देने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया, भाई इनको छुट्टी दो, इनकी पेमेंट हो गई है, तो रसीद भी हमारे से मैंने ले लिया, लेकिन व्हाट्सएप पे हमारे को वो रसीद है। कौन सी? पूरा पैसा भरे? हाँ हाँ, वो पूरे पैसे भरे की रसीद है सर, मैंने जो कच्चे कागज में लिख के दिया था आपका 1,70,500। कच्चे कागज पे मतलब हॉस्पिटल का नाम और ये सारी चीजें है, नाम है उसका? हाँ नाम है सर, हॉस्पिटल का नाम हाथ से लिखा है या प्रिंटिंग है? हाथ से लिखा है सर, हाथ से। हाथ से लिखा हुआ नहीं चलेगा ऐसा? हाथ से लिखा हुआ कैसे चलेगा, कोई भी लिख के देगा ना ऐसा? हाँ, तो उन्होंने रसीद चाहिए, पक्की रसीद चाहिए।
हाँ ना सर, वही पक्की रसीद के लिए मंग रहे ना उनके, क्यों नहीं दे रहे रसीद, कुछ भी नहीं दे रहे सर। आप भी बोले नगर पालिका में वो उसका भी प्रिंट निकालो, कच्ची रसीद ये हाथ से लिख के दिया है, ऐसा नहीं होता है, वो दिखाओ में। हाँ सर, जो जो एक कागज पत्र में लेके जाता हूँ ओनर को, क्या क्या होना उनको भैया, ऐसी ऐसी बात है। आप दुलिया में कहाँ रहते हैं? सर हम दुलिया में वैद्य नगर में रहते हैं। अच्छा ठीक है, दुलिया में सर कोई हमारा पत्रकार है वहाँ पे, तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? चलेंगे सर, बहुत ही बढ़िया, वो पत्रकार आपको मार्गदर्शन करेगा, ठीक है जी, मेहरबानी जाएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।